बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हम गैस पेपर है हमारे पास मैथ के, उसके बारे में बात करेंगे कि मैथ का जो सुबह को आने वाला पेपर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ताकि उनको देख लिया जाए और पेपर की अच्छी सी तैयारी कर ली जाए। हम देखते हैं मैथ की गैस पेपर, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन जो पहला है 1.1 मशक है, उसका क्वेश्चन नंबर 3, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, उसका ई जूस और 6 का 2 जूस, और इस तरह 1.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका जूस नंबर 7 है, और चौथे का जूस नंबर 4, और पाँचवें का सातवां और नौवां और दसवां, छःवां सातवां और आठवां क्वेश्चन 1.3 का, ये इंपॉर्टेंट ख्याल किया जाता है। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो, और चौथे का डी जूस, पाँचवें का जो है वो चौथा जूस, और छःवें का दूसरा जूस इंपॉर्टेंट है। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका चौथा जूस और चौथा छःवां, और ये एग्जांपल है 3 पेज 3 और पेज नंबर 27, ये इंपॉर्टेंट हैं। 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1, और इसका चौथा और सातवां जूस इंपॉर्टेंट है, 3, 4, 5, ये पेज नंबर 30, इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 7, ये इंपॉर्टेंट है। 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर 5, 6 पेज पे है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ये, और पेज नंबर 44 एक्सपेरिमेंट एग्जांपल है 2, ये इंपॉर्टेंट है। 2.3 क्वेश्चन नंबर 3, उसका चौथा जो इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 46 उसके ऊपर एग्जांपल है 2, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी अच्छी तरह देख लेना चाहिए। 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1, और 1 का पहला और चौथा जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, 3 भी इंपॉर्टेंट है। 2.5 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 उसका पाँचवा जूस और 2 का भी पाँचवा, 3 का भी पाँचवा, और चौथे का पाँचवा और छठा जूस, पाँचवें का चौथा जूस और छःवें का पाँचवा और छःवा जूस इंपॉर्टेंट है। उसका क्वेश्चन नंबर 7 वो भी, उसका जूस नंबर 2 है। इस तरह पेज नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं 3.1 की। 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 उसका 10वां 9वां जूस और 2 क्वेश्चन का चौथा जूस इंपॉर्टेंट है। 3.2 उसका 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका तीसरा और चौथा जूस, चौथे का दूसरा और चौथा जूस, पांचवा और छःवें का तीसरा और चौथा जूस इंपॉर्टेंट है। 3.3 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो छःवां जूस है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 का तीसरा जूस पेज नंबर 71 पे है, एग्जांपल है 2 और 3, ये इंपॉर्टेंट है। 3.4 की बात करते हैं हम, 3.4 की क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका जूस नंबर 5, 7 और 8वां इंपॉर्टेंट है। 2, 5 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ख्याल किया जाता है। पेज नंबर 73 के क्वेश्चन नंबर 3 उसका चौथा जूस और चौथे क्वेश्चन का चौथा जूस है, पाँचवें का तीसरा, और पेज नंबर 75 है उसके ऊपर एग्जाम्पल है 3, क्वेश्चन नंबर 6 और लॉग लास, ये इंपॉर्टेंट हैं। ये चार क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से रीड कर लेने हैं, इसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 4.1 एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन नंबर 3 उसका चौथा जूस, सातवां और आठवां जूस, चौथे क्वेश्चन का बी जूस और पांचवें क्वेश्चन का जूस है 4, 5 और 6, 6 क्वेश्चन का 2, 3 और 5, पेज नंबर 86 उसके ऊपर एग्जांपल है 3, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी चीज़ देख लेना है। 4.2 है क्वेश्चन नंबर 1, उसका दूसरा जूस, 3, 5 और 6, 9, 11, 14 और 15 का दूसरा और तीसरा जो जूस है वो इंपॉर्टेंट है। इस तरह 4.5 एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 उसका तीसरा जूस, 2 क्वेश्चन का ये है चौथा जूस, और तीसरे क्वेश्चन का दूसरा और चौथा जूस, चौथे क्वेश्चन का पांचवा, और पेज नंबर 92 पे एग्जांपल है 3, और पेज नंबर 93 पे एग्जांपल है 5, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 उसका छःवां और आठवां जूस है, दूसरे क्वेश्चन का सातवां और तीसरे का दूसरा, चौथे का तीसरा और 5 का जो दूसरा जूस है, और पेज नंबर 96 उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 5, 7 का छःवां और आठवां क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। 5.1 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पांचवां और छःवां जूस, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा जूस, 3 का 3 जूस, 4 का 2 और 4 जूस, 5 का 4, 5 और 6 जूस, पेज नंबर 104 के ऊपर है एग्जाम्पल 3, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5.2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 का है 4 और 6 जूस, 2 और 3 का है 2 जूस, 5, 6, 7 क्वेश्चन, 5.4 की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 5 और 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 112 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका तीसरा, सातवां, आठवां और नौवां जूस इंपॉर्टेंट है। 6.1 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 2
उसका जूस नंबर 4 और 5, 3 का 2 और 4 का 2, 5 का 3। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10, 11 ये इंपॉर्टेंट है। 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3, 6, 8, 9, 11 और 13 ये इंपॉर्टेंट हैं। तो ये थे 6.1 के, जो इस तरह पेज नंबर 125 है उसके ऊपर एग्जांपल है 2 और 3 ये इंपॉर्टेंट है। 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1, उसका 7 और 9 जूस, 2 क्वेश्चन का 5वां जूस, 3 का 1 जूस है और 4 का जो जूस है वो 2, ये इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 129 पेपर, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और पेज नंबर 132 के ऊपर एग्जाम्पल है 3। इस तरह पेज 134 उसके ऊपर एग्जांपल 3 ये इंपॉर्टेंट है। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 जूस और 7 जूस इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन का दूसरा, तीसरा, छवां और 8वां जूस इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 137 के ऊपर जो एग्जांपल 2 है वो भी इंपॉर्टेंट ख्याल की जाती है। 7.2 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 उसका जूस नंबर 4, 5 और 7 ये इंपॉर्टेंट है। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो जूस हैं वो 4, 7 और 8 जूस इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 143 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 उसका दूसरा जूस, 6 का 3रा जूस इंपॉर्टेंट है। 8.1 एक्सरसाइज उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 उसका 5वां जूस और 4 क्वेश्चन का ए जूस इंपॉर्टेंट है। 8.2 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 का बी जूस इंपॉर्टेंट है और 4 क्वेश्चन का पहला और तीसरा जो जूस है वो इंपॉर्टेंट है। इस तरह 8.3 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 167 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 उसका पहला जूस इंपॉर्टेंट है और 6 क्वेश्चन का तीसरा जो जूस है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये थे शार्ट क्वेश्चन जो हमने लिखे यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको एक दफ़ा आप रीड कर लें तो अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। अब हम 9.1 एक्सरसाइज की बात करते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 का डी और 2 का 5वां जूस इंपॉर्टेंट है। 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 10 ये इंपॉर्टेंट है। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 उसका डी और ई जूस, 3, 4, 5 और 70.1 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 उसका तीसरा और चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे चौथे का पहला और पांचवें का दूसरा और ये 70.2 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और दूसरे का दूसरा और तीसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का दूसरा, 70.3। उसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और ये सारे 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर नॉमिनेट कर दिए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ख्याल किया जाए। थ्योरम्स की बात करते हैं हम, थ्योरम्स चैप्टर नंबर 12 उसके ऊपर 1, 3, 6 थ्योरम्स और 16.3 और 16.4 ये थ्योरम्स भी इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप अच्छी तरह से रीड कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। डेफिनेशंस जो इसमें हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक स्क्वायर और डायगोनल, सिंगुलर सिक्योर सिमेट्रिक इंडाइसिस, एक्सपोनेंशियल, ये सॉर्ट्स है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, HCF और LCM, ये रेडिकल इक्वेशंस हैं, ओरिजिन है, ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्रेपिज्म, SAS पॉस्टुलेट्स हैं, SSS, ESS ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इसके अलावा ये बाइसेक्टर्स है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज एंगल्स, ये एंगल्स की डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साइंटिफिक नोटेशंस हैं, नेचर लोगारिथम है, एंटी लोगारिथम, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको भी आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है। ये भी क्वेश्चंस जो पेपर के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट ख्याल किए जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात हम करते हैं, एक्सरसाइज 1.6 के 2.4 और 2.6 के जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट एग्जांपल 4 पेज, एग्जांपल नंबर 4 है पेज 55, एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट रिव्यू पेज 74, ये सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट है, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 रिव्यू पेज 96 क्वेश्चन 5, 6 और 8, एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4, 5, 6 ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7, 8 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, 2, 5 क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3, 2, 7, 6.1 लास्ट 5 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10, 11, 12, 13 और
6.3 जो कंप्लीट एक्सरसाइज आपने वो तैयार करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। 7.1 एक्सरसाइज जो कंप्लीट करनी है। 17.2 को क्वेश्चन 1, 2 और 4 ये इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन हैं, इनको भी आपने अच्छी तरह से काफ़ी टाइम है रीड कर लेना है। ये इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये थे हमारे गैस पेपर, उम्मीद है कि जो गैस पेपर हमने आपको बताए हैं ये आप अच्छी तरह से रीड कर लेंगे, ताकि जो कल को आने वाला पेपर है उसमें आप अच्छी सी तैयारी के साथ जाएं। और मज़ीद अपनी मेहनत को जारी रखिए, कामयाबी अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए नए गैस पेपर भी आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो पहुँचे वो आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।